साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सीरीज हमारी अनवरत चल रही थी, बीच में हमारी तबीयत खराब होने के कारण 5-6 दिन इसमें गैप हुआ है, जिसको हम कवर कर लेंगे। बाकी आप हमारा डेली मॉर्निंग का करंट अफेयर देखते रहिए, और हिंदी क्लासेस चल रही हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चल रही हैं, बायो की, केमिस्ट्री की सभी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की, मैथ्स की। आप पहले वेब अड्डा विजिट करिए और उसको देखिए, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सजेशन दीजिए और हम आपके सजेशन पे ज़रूर अमल करेंगे। साथियों आइए देखते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, किन राज्यों तक फैला है आपका दक्कन का पठार। तो मेनली किन राज्यों में फैला है, 5 राज्यों में फैला है दक्कन का पठार आपका। कौन कौन राज्य हैं हमारे इसमें, तो महाराष्ट्र है इसमें आता हमारा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अधिकांश हिस्सा गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य मिलकर दक्कन का पठार निर्मित करते हैं। इन 5 राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। कौन कौन? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महेंद्रगिर की पहाड़ियां किन राज्यों के तट पर स्थित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, दलदली व ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन का आपने नाम सुना हो, मैंग्रोव वन दलदली जगह पे स्थित होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव वन आपके यहाँ? तो सबसे बड़ा द्वीप क्या कहाँ पे है, आपने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है, जो आपका माजुली द्वीप है, वहाँ पे सबसे ज्यादा है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। फिर है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, इम्पॉर्टेंट है। लौह इस्पात कारखाना पहला है अपने देश का, कहाँ पे लगाया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में लगाया गया था 1875 ईस्वी में, कुल्टी पश्चिम बंगाल, कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन नोज नामक जो चट्टान है कहाँ पे? आंध्रा में, के पीछे बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पत्तनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया मेनली कहाँ से है? आंध्रा से है, आंध्र प्रदेश से। वैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तेलंगाना जिसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ है, यहाँ जो है पाए जाते, लेकिन मेनली कहाँ? आंध्र प्रदेश में बहुतायत मात्रा मिलती। कोया का शब्द होता है मतलब प्रारंभिक जनजाति, आम लोग, तो पहले आम लोगों को कोया भी कहते थे। तो कोया महुए में भी कोया होते हैं,
जनरली जो पाया जाता है, तो पहले जो आदिम युग की जनजाति जो जातियां होती थी, लोग होते थे, उन्हें कोया कहा जाता था। तो कोया जनजाति कहाँ से, किस राज्य संबंधित है, तो आंध्रा से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत में तेंदू पत्ते पर आधारित उद्योग, तेंदू के पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, आपके जो बरगद के पत्ते होते हैं उससे भी फैले हुए होते हैं तेंदू पत्ते, बड़े से चौड़े से। तो उससे कौन सा तेंदू पत्ते, कौन सा उद्योग आधारित है, बीड़ी उद्योग। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी बहुत पी जाते हैं, गरीब लोग बीड़ी बहुत पीते हैं, बीड़ी उद्योग। जो मजदूर लोग होते हैं ज्यादातर आप बीड़ी पीते देखते हैं, कहीं बीड़ी पी लें, तो वो जो पत्ता लपेट के बनाया जाता है, तो ब्राउनी ब्राउन ब्राउन उसे वो तेंदू का पत्ता होता है। तो बीड़ी उद्योग जो है वो तेंदू पत्ते पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, इनकी विशेषताएं होती है घने, खूब घने होते हैं, जो प्रकाश को नहीं आने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को, इतने घने पत्तेदार होते हैं, तो प्रकाश सूर्य का नीचे तक नहीं आ पाता है। तो ऐसे जो है भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। साइलेंट वैली में पाया जाना दुर्लभ पशु क्या होता है, मैकाक, मैकाक बंदर होता है, मैकाक, मैकाक एक बंदर टाइप होता है, जो उसमें क्या होता है, शेर जैसा वो लगता है, उसके गर्दन में बहुत बाल होते हैं, शेर बब्बर शेर जैसे लंबी पूंछ होती है, उसको शेर की पूंछ जैसा उसका मुंह बन जाता है। तो मैकाक बंदर जो दुर्लभ प्रजाति का है वो पाया जाता है, दुर्लभ पशु, उसे मैकाक कहते हैं। कहाँ, साइलेंट वैली केरल में वहाँ पाया जाता है, और ये पश्चिमी घाट में भी ये पशु पाया जाता है, मतलब ये विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। मैकाक, मैकाक होता है जो सूर्य शेर की पूंछ जैसा होता है, लंबा मुंह उसका होता है, और जो बाल होते हैं गर्दन पे बाल बब्बर शेर जैसे बने होते हैं वो पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर मालाबार तटीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी एक्चुअल में क्या होता है, अप्रदन से, अपक्षय से निर्मित होती है, जो टूट टूट के बनती है, तो ऐसा जो होता है थोड़ा रेडिश रेडिश होती है, तो ऐसी मिट्टी में चूना है, पोटेशियम है, ऑक्साइड है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट में, तो ये लैटराइट मिट्टी प्राप्त होती है। तो ये रहे हमारे आज, हमारी जो सीरीज हमने शुरू किया है 10 कदम, फिर से पुनः अभी थोड़ा ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग ठीक हो रहे हैं, अभी वीकनेस है, जो फीवर आ गया था हमारे 5-6 दिन, उससे तो धीरे धीरे हम वीडियो की संख्या बढ़ा रहे हैं, सुबह करंट अफेयर और शाम को 10 कदम, और अब मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, इसके भी वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमने कहा सीरीज भी शुरू कर दें, आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो ये रहे हमारे 10 आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही सीरीज आपके, हमारे जो है 900 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है 10 कदम सीरीज में। कलेवर अड्डा जाइए, उसको आप देखिए, रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, और आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कीजिए। साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद साथियों।